उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक छोटे से गांव नगला बिहारी के रहने वाले रामबाबू निषाद की दो पत्नियां हैं। दोनों ने एक दूसरे को बहन मान लिया है। एक पत्नी शीला देवी ने 8 साल पहले समाज के सामने रीति रिवाज से शादी कर हर साल करवा चौथ का व्रत करती चली आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 3 माह पहले मोहब्बत में खाई गई कसमों को निभाते हुए मंदिर में शादी करके आई मन्नू देवी ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत किया। दोनों पत्नियों ने एक साथ मिलकर अपने पति रामबाबू निषाद के लिए करवा चौथ का व्रत किया और लंबी उम्र के लिए कामना की। मनु देवी का कहना है कि हम दोनों ने एक दूसरे को बहन मान लिया है और आपस में खुशी खुशी रहते हैं, किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। वहीं शीला देवी ने भी कहा है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, हम बहन बनकर पारिवारिक जीवन खुशी खुशी जिएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। जिस जगह एक औरत अपने पति के साथ खुशी से नहीं रह सकती है, लेकिन हम दोनों बहनें अपने पति के साथ रहकर दुनिया को दिखा देंगे कि जिस जगह प्यार होता है वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है। जब दोनों पत्नियों ने ये बात कहते हुए छत पर पहुंचकर करवा चौथ का व्रत खोला तो यह नजारा देखकर आसपास के लोग हैरत में पड़ गए। दोनों पत्नियों द्वारा एक पति के लिए व्रत रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं इस करवा चौथ में बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। ये व्रत मैंने अपने पति के लिए रखा है और मैं इस करवा चौथ मेरी पहली करवा चौथ है और मैं इस करवा चौथ में बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने पति के लिए ये व्रत रखा है। आपके साथ में शायद आपकी बहन भी है। ये मेरी बहन है, इनका नाम शिया देवी है और हम दोनों मिलके रहते हैं साथ में और कोई भी लड़ाई नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। हम दोनों साथ रहते हैं, हमारा पति हमारे साथ है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात तो नहीं? हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता, हम दोनों साथ ही रहते हैं, बिल्कुल मस्त खुश रहते हैं। आप खुश हैं साथ में रह रहे हैं दोनों लोग? साथ में रह रहे हैं। अच्छा, मेरी दोनों पत्नी है। ये मेरी पत्नी को शादी करे 8 साल हो गए, इसको शादी करे 2.5 महीने हुए। अच्छा, जैसे आप 2.5 महीने हुए तो पहली पत्नी को कोई आपको एतराज नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई एतराज नहीं, दोनों साथ साथ रहती हैं, मिलके रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी दौरान जिटाने में लड़ाई होती है लेकिन इन दोनों में सुध में कोई लड़ाई नहीं होती है, एक तरीके से बहन बन के रहती है। पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल ही संदेश देना चाहेंगे, देखो अब ये तो जांच तो खैर नहीं है, थोड़ा गलत है, लेकिन लव वाली बात आए तो किसी से दिल लगे की बात है, दिल लग गया, मोहब्बत हो गई, शादी कर ली, कोई बुराई भी नहीं है। सामने वाला राजी है तो हम भी राजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की अगर लड़कियों की सहमति है कोई दिक्कत नहीं है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।